और राजधानी भोपाल में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, 3 गुना तक मामले बढ़े हैं। बता दें सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में 80% केस आए हैं। आई फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आई फ्लू से छोटे बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, हालांकि जल्द ठीक भी हो रहे हैं संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि लक्षण नजर आते ही डॉक्टर की सलाह लें। तो आई फ्लू के मामले लगातार राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं, खासकर बच्चों में ये ज्यादा देखा जा रहा है। बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं आई फ्लू की वजह से, और अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों को भी अलर्ट कर रहा है कि सावधानी बरतें। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आई फ्लू के मामले लगातार राजधानी में बढ़ रहे हैं, आखिर स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या कहना है, क्यों आखिर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चों को क्यों बच्चे क्यों ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, जब जिस तरह बारिश होती है और उस समय बारिश के बाद ये आई फ्लू के लगातार हर साल ही इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन इस बार पिछले 7 दिनों से लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं जो कि संक्रमण फैलता जा रहा है और करीब 100 से 150 बच्चे रोज ओपीडी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में ही आ रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, और इनकी बड़ी संख्या है तो बताया जा रहा है कि 500 से 600 लोग रोजाना इस तरह के आई फ्लू के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। और अब सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि कम से जिस भी तरह के इस तरह के मामले आए तो वो संक्रमण से बचे और छूने से बचे और वो एहतियातन घर पर ही बार बार आंखों को धोएं, इस तरह की बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है। इसके अलावा ये भी सलाह दी गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासकर बच्चों में इस तरह के केस इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने कई शिशु रोग विशेषज्ञ से ही बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों में आने की वजह इसलिए हो सकती है कि स्कूल शुरू हुए हैं तो स्कूलों में बच्चे जो जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से ये बच्चों में तेजी से फैल रहा है। और इस बार जो 2 या 3 दिन में आंखों का संक्रमण ठीक हो जाता है, इस बार करीब 5 से 6 दिन लग रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।